चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है, जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर, चाहे जितने राकेट टिकैत विकैत जितने हमें, मैं जो कि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने दो बार दुकान बढ़ा, दोनों बार दुकान जम हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाएं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, जो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है आज तक, एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है, और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की कोशिशें करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हूँ, ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप में जलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा भाई सब लोग।